क्यों हम जा रहे हैं पानी लेने इतना पानी होने के बावजूद भी। सो गाइस होता क्या है, सो गाइस इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने एक गलती की थी, जो मैंने बताया था आपको कि अलकनंदा नदी चोरावारी ग्लेशियर से निकलती है, पर ऐसा नहीं था। मैंने उस टाइम फ्लो में बोला था, तो जो अलकनंदा नदी है ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से, जो मंदाकिनी नदी है वो निकलती है चोरावारी ग्लेशियर से, और तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और कल तक यहाँ तक पानी था, और आज देख सकते हैं आप, और कल यहाँ तक पानी आया था, ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी जो मंजर है वो काफ़ी भयानक है यार। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं यार, भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे ये सड़क पूरी जा चुकी है नीचे। अभी का आप मौसम देख सकते हैं यार, कितना सुंदर और चारों तरफ हरियाली का माहौल है इस टाइम पे। और बारिश के बंद हो जाने के बाद कुछ ऐसा होता है पहाड़ों में माहौल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूँ रोहित, और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारे 3K सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी खुशी हो रही है, और ऐसी आगे सपोर्ट करते रहो। तो अभी हम जाने वाले हैं पानी भरने, तो आपको दिखाता हूँ कि जब पानी बंद हो जाता पहाड़ों में तो कहाँ से लाते हम। और ये भी बताने वाला हूँ बारिश के बाद पानी क्यों नहीं आता है, मतलब जब पानी गदेरा आ जाता है तो उसमें पानी आता है तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो, और अभी चलते हैं और लेके आते हैं पानी। तो गाइस देख सकते हैं, हमने ये अपना कंटेनर पकड़ लिया है और दो डब्बे हुए हैं, तो अब चलते हैं और सीधा भरते हैं प्राकृतिक स्रोत से अपने घर से, और धीरे धीरे मंद गति से जाएंगे। और ये रोड देख सकते हैं यार हमारे घर की, जो काफ़ी ख़तरनाक है, और नीचे गदेरा आप देख सकते हैं। और पहाड़ों में ऐसी रोड होती है टू व्हीलर की घर तक, तो काफ़ी भयानक रोड है ये, देख सकते हैं ये है अभी गदेरा। तो अभी मैं हाल बता दूं आपको, तो क्यों हम जा रहे हैं पानी लेने इतना पानी होने के बावजूद भी। सो गाइस होता क्या है कि अभी आपने गदेरा देखा होगा, तो गदेरा का पानी जो है वो काला हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। भले यहाँ पे सप्लाई होती है इस पानी की भी, पर नहीं होता है वो पीने लायक। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको प्राकृतिक जो जल धारा होती है वो कैसी होती है। तो गाइस देख सकते हैं ये है यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत, ये पानी यहाँ पे आता था तो लोगों ने पाइप लगा रखा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस देख सकते हैं पहाड़ों में ऐसी जल धाराएँ होती है, यहाँ पे भी है पानी ऐसे जो कि मतलब ज़मीन के अंदर से निकलता है, इस पानी का पता नहीं कहाँ से निकलता है। और ऐसी एक और है यहाँ नीचे पे, तो देखो अभी वीडियो को एंड तक देखना, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हैं दोनों कंटेनर भर चुके हैं, और अब ये पानी लगभग एक या दो दिन तक चल ही जाता है पीने के लिए, बाकी और पानी जो होता है अदर यूज़ के लिए वो टैंकी में भरा रहता है, और ये पीने के लिए है। गाइस ये पानी बिल्कुल भी मतलब पीने के लिए नहीं है, भले ही हल्का फुल्का साफ जरूर रोक चुका है, लेकिन इतना साफ नहीं हुआ है कि इसको हम पी सकें, बस इसीलिए हम यहाँ पे पानी लेने जाते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब जल धाराएँ हैं, मतलब प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो काफ़ी हैं, और क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो पेड़ पौधों की जड़ों से यहाँ पे पानी आता है। तो बाकी आपको, और अभी हम पानी लेके आ चुके हैं, तो बाकी आपको ले चलते हैं मार्केट में और हाल दिखाते हैं क्या है और कैसे हैं। सो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं एक और लगातार, अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वो भी कंटिन्यू है, देख सकते हैं पीछे आप, बहुत ख़तरनाक अभी फिर से बारिश लग चुकी है, तो ऐसे में मार्केट जाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर शाम तक 5 बजे तक अगर होता है अगर बारिश बंद, तो मैं पक्का जाने की कोशिश करूँगा। और अभी आपको मौसम दिखाता हूँ, बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं यार आप, ये है अभी रुद्रप्रयाग के हाल, और सामने देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल कोहरा लग चुका है, और सामने बिल्कुल शाम को फिर एक बार बारिश बंद हो चुकी थी और फिर से अब लग चुकी है सुबह, देख सकते हैं आप उधर पे, और फिर से, और मुझे लग रहा है फिर से ये बारिश अब रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही, हालांकि यहाँ का नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है रुद्रप्रयाग में। तो अभी आगे आपको बताता रहूँगा, मैं हूँ रोहित बिष्ट, और बने रहिएगा मेरे साथ, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। सो गाइस अभी बारिश हो चुकी है बंद, और हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है, ये देख सकते हैं ऊपर, और हल्की हल्की धूप आ चुकी है अभी, और अभी हो रहा है 3:30, और बिल्कुल बारिश बंद हो चुकी है अभी, और मौसम भी ऊपर से खुल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी,
पर अभी मौसम का कुछ नहीं कह सकते उत्तराखंड का, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है। और फिर आप सामने देख सकते हैं आप, बिल्कुल कोहरा लगा है अभी। और यहाँ पर और अभी आपको दिखाते हैं और आगे की जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा और एंड तक देखना। सो गाइस, हम जा चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट में और यहाँ से मैं अपना दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी ले चलते हैं आपको और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे टूट रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको ले चलूँ आगे। अभी ले चलते हैं आपको सीधा अलकनंदा नदी के पास में। सो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने एक गलती की थी, जो मैंने बताया था आपको कि अलकनंदा नदी चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, पर ऐसा नहीं था। मैंने उस टाइम फ्लो में बोला था। तो जो अलकनंदा नदी है ये निकलती है सत्तोपंत ग्लेशियर से, जो मंदाकिनी नदी है वो निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से। और तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और अभी आपको दिखाता हूँ, तो जो यहाँ पे अलकनंदा नदी का पानी है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो आपको सीधा ले चलता हूँ नीचे और बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे कितना और कल क्या था और आज क्या है। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कि बारिश बंद होने के बाद ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है। और सामने पे देख सकते हैं आप हनुमान मंदिर, और कल तक यहाँ तक पानी था और आज देख सकते हैं आप सब कुछ। और वहाँ पे लोग जो वहाँ के बाबा वगैरह हैं वो वहाँ पे से अभी रेत निकाल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, सामने पे आप देख सकते हैं। और यहाँ ले चलूँ तो मैं आपको, ये देख सकते हैं जो यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट था वो वाला, तो वो आज दिख रहा है। तो इतना पानी कम हो चुका है, कल तक जो ये था इसके यहाँ पे तक पानी था और आज थोड़ा कम हो चुका है। तो गाइज ये था अलकनंदा नदी का हाल, जो निकलती है सत्तोपंत ग्लेशियर से, और जो अभी हम आगे जा रहे हैं वो है मंदाकिनी नदी, जो कि निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से। तो दिखाते हैं आपको, सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में यहाँ पे डर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने पत्थर आए हुए हैं, और ये पत्थर हैं ऊपर से आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप पीछे। सो गाइज अभी हम हैं चामुंडा देवी जी के मंदिर में रुद्रप्रयाग में, और ऊपर है हमारा रुद्रनाथ भगवान जी का मंदिर। और ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आप, यह है माँ चामुंडा देवी का मंदिर। और आपको नीचे दिखा दें तो नीचे कल यहाँ तक पानी आया था, जो ये देख सकते हैं आप। यह है गंगा आरती होती है यहाँ पे, और कल यहाँ तक पानी आया था, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे आप देख सकते, यहाँ पे अभी बहुत डर लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे अभी पानी आया है, और काफ़ी बहाव काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, और नदी का जलस्तर कल तक यहाँ पे था। सॉरी गाइस, इससे पिछले वीडियो में फ्लो में मैंने उल्टा बोल दिया था, हालांकि मुझे ज़रूर पता था, लेकिन इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, और सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। पर अभी मैं बता दूं, ये है अलकनंदा और ये है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से, और यह है अलकनंदा जो कि निकलती है सत्तोपंत ग्लेशियर से। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी जो मंजर है वो काफ़ी भयानक है यार, मतलब इतना डर लग रहा है। और इससे कहीं मीटर नीचे है यार नदी, तो काफ़ी उफान पे, और दोनों नदियाँ इस टाइम बहुत ही खतरनाक लग रही है। और ये सामने अपना रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग का व्यू जो है एकदम अभी देखने लायक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, जिस हिसाब से यहाँ पे रेत आ रखी है, तो मतलब मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो जलस्तर था वो काफ़ी था। और ये सामने नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी इसके ऊपर की टीन उड़ चुकी है, और ये आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, जो मैं जब से नदी बढ़ रही है तब से देखा होगा आपने। तो ये यहाँ की टीन उड़ चुकी है मंदाकिनी नदी पे, जो ये घाट बने थे उसके ऊपर की टीन उड़ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेत, यह देख सकते हैं ये अभी है गीली रेत। गाइस यहाँ पे चल रही है गंगा आरती की तैयारी, ये देख सकते हैं आप। और इसी स्थान पे होती है रुद्रप्रयाग संगम की गंगा आरती, यहाँ पे माइक देख सकते हैं आप, यहाँ से होती है। और मतलब जो अभी ये मंजर है काफ़ी खतरनाक है। और सामने पे देख सकते हैं यार गाइस, पूरे घाट डूब चुके हैं रुद्रप्रयाग के।
सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है हॉस्पिटल के पास में और NH का बहुत ही निंदनीय काम है। और ये देख सकते हैं कैसा काम किया गया, एक बरसात भी नहीं झेल पाया, ये अभी नया ही बना है तो एक बरसात भी नहीं झेल पाया। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मकान और नीचे पोस्ता गिर गया है और ठीक इसके इधर सामने पे भी गिर चुका है, सामने से दिखाता हूँ आपको। सो भाई यहाँ पे देख सकते हैं यार ये यहाँ पे भी टूट चुका है, तो काफ़ी ख़तरनाक और मतलब कैसा काम किया गया कि एक बरसात भी नहीं झेल पाया ये। और यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे साइड में फ़ोटो देख सकते हैं आप, एक कार बाल बाल बची है यहाँ पे यार। सो भाई आप देख सकते हैं यार कैसे यहाँ पे एक चट्टान टूट चुकी है। यह है रुद्रप्रयाग में गैस एजेंसी के थोड़े से आगे पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और मेरे पीछे आपको दिखा दूँ तो सड़क बिल्कुल जा चुकी है नीचे, तो ये NH का बहुत ही निंदनीय काम है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं यार यहाँ पे आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी होने वाली है जिस हिसाब से यहाँ पे टूटा हुआ है, ऊपर से देख सकते हैं आप। और ये चट्टान गिरी इस बरसात में और यहाँ पे देख सकते हैं ये सड़क पूरी यहाँ से नीचे जा चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे ये सड़क पूरी जा चुकी है नीचे और यहाँ पे आ चुका है ये ऊपर से चट्टान। तो ले चलते हैं सीधा आगे पे और दिखाते हैं और जगह, पुष्पदीप होटल के सामने पे, यहाँ से ये कुछ दिन में ये भी नीचे आ जाएगा। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी फिर से टूट चुका है, तो काफ़ी नुकसान हुआ इस बार रुद्रप्रयाग में। इस बार इसने जैसा तहलका मचाया आज तक कभी देखने को नहीं मिला। देख सकते हैं लोग जा रहे हैं अभी पानी लेने। सो गाइस देख सकते हैं आजकल यहीं पर भर रहे हैं लोग पानी। और ये एक रुद्रप्रयाग में इस साइड को एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है जहाँ से लोग आजकल यहीं पे पानी भर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है गुलाब राय फील्ड रुद्रप्रयाग का एकमात्र, और इस ग्राउंड की हालत देख सकते हैं आप कितना खस्ता खस्ता हो रही है अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बहुत ही बुरे हाल हैं इस ग्राउंड के, छोड़ो इस ग्राउंड के बारे में तो बोलना ही क्या है, चलते हैं आगे। अगर आप गांव की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल है, तो उसको पक्का विजिट करना आप। सो गाइस इस वाली वीडियो में फिर आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रुद्रप्रयाग की जनता पानी के लिए तरस रही है और वो उनको पानी के लिए कितने दूर आना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको लोग, ये जितने भी लोग नीचे आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं पानी ले के। सो ये देख सकते हैं आप गाइस ये बैग ले के पानी की बॉटलें हैं इन बैगों में, सबके यही हाल हैं पूरे रुद्रप्रयाग में अभी इस टाइम पर। आगे भीड़ दिखा दो आपको तो देख सकते हैं आप, ये देखो लोग देख रहे हैं नीचे गडेरे को, और ये देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे पानी लेने आ रहे हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं आप कैसे लोग यहाँ पे पानी लेने के लिए आ रखे हैं। और आगे अभी आपको दिखा दो तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, दूर दूर के गाँव से यहाँ पर लोग पानी लेने आ रखे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप सबके हाथों में डब्बे और ये कोई यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। सो गाइज अभी आपने देखा कि रुद्रप्रयाग की जनता कैसे पानी के लिए जूझ रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।